हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज एएचडीपी फर्स्ट ईयर की क्लास है और एक्सटेंशन सब्जेक्ट की क्लास है और लेसन नंबर 24 के कुछ तत्व रह गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 2012 की पशु गणना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपको पहले बता दिया गया है कि 2012 की कौन 2012 साल में कौन सी पशु गणना की गई। तो 2012 में 18वीं पशु गणना की गई। तो इसके अनुसार यानी 2012 के अनुसार और कुछ 2007 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि 2012 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं और किस जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में पाए जाते हैं। इसी तरह राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो इसके बारे में अध्ययन आज करेंगे। तो 2012 की पशु गणना के अनुसार एक सारणी तय की गई है जिसके अनुसार आपको समझना है। जैसे गाय यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में गाय पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, उदयपुर जिले में। ये भी कई बार प्लेन्स में पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, और सबसे कम मात्रा में धौलपुर जिले में पाई जाती है। यानी राजस्थान के सबसे कम मात्रा में गाय कहाँ पाई जाती है, धौलपुर जिले में। इसी तरह भारत में सर्वाधिक मात्रा में गाय कहाँ पाई जाती है, यानी एमपी में। तो भारत में कहाँ पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गाय पाई जाती है। और राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है, यानी देश में राजस्थान का पांचवा स्थान है। इसी तरह वह सर्वाधिक मात्रा में जयपुर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, जयपुर जिले में। दूसरे नंबर पर आता है आपका अलवर जिले में पाई जाती है और तीसरे नंबर पर आता है भरतपुर जिले में पाई जाती है। और सबसे कम मात्रा में भैंस कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एक स्थान में पूछ लिया जाता है। तो सबसे कम मात्रा किस जिले में पाई जाती है, भैंस, जैसलमेर जिले में। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, यूपी में। कहाँ पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानी भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में। इसी तरह भेड़ राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर जिले में। और सबसे कम मात्रा में बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश में भेड़े पाई जाती है। और राजस्थान का भेड़ उत्पादन या भेड़ पालन का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इसी तरह बकरियों का कुछ प्रतिशत राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक, यानी सभी पशुओं के बजाय सर्वाधिक योगदान किसका होता है, बकरी का होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के बाड़मेर जिले में बकरियां पाई जाती हैं और सबसे कम
पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में बकरियां कहां पाई जाती है भारत में? राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में। जबकि देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यानी बकरियों में देश में, बल्कि भारत में नहीं, भारत में तो यही है लेकिन देश में भी प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसी तरह घोड़ा, घोड़ा राजस्थान के बीकानेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे कम मात्रा में डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में घोड़े सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और राजस्थान का घोड़े में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। इसी तरह ऊंट, ऊंट सर्वाधिक मात्रा में जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे कम मात्रा में कहां पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। बल्कि देश में इनका स्थान प्रथम स्थान है, यानी कि देश में भी प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। इसी तरह सुअर, सुअर राजस्थान के भरतपुर जिले में पाए जाते हैं और सबसे कम मात्रा में डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक मात्रा में असम राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। और राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सत्रवा स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे कम मात्रा में भारत में सर्वाधिक मात्रा में, और राजस्थान का देश में स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण भी आपके और भी क्वेश्चन है जिसके बारे में अध्ययन करें, जैसे भारत में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन 12% के साथ दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है प्रियो? दूसरा स्थान है 12% उत्पादन के साथ। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। इसी तरह भारत की कुल पशु संपदा 10% हिस्सा किसका है? राजस्थान का। यानी भारत की जो कुल पशु संपदा है उसमें 10% हिस्सा किसका है? राजस्थान का। तो अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये आपको एक्सटेंशन का फर्स्ट चैप्टर में भी बता दिया गया है। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। बल्कि देश में भी प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में राजस्थान का। देश में प्रथम स्थान है जो 40% ऊन उत्पादन करता है। प्रिय कितना ऊन उत्पादन करता है? 40% ऊन उत्पादन करता है राजस्थान देश में भी। इसी तरह दुग्ध उत्पादन का भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन स्थान है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान। बल्कि विश्व में राजस्थान, यानी देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। किसमें? दुग्ध उत्पादन में। तो ये इंपोर्टेंट तत्व है। इसमें कुछ तत्व और भी रह गए, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 2007 व 2012 की पशु गणना के अनुसार को
गोवंश में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी हुई 9.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है आपका 2007 और 2012 की पशु गणना के अनुसार, पशु गणना के अनुसार भैंस वंश में कमी हुई, यानी आपसे पूछ लिया जाता है कि 2007 और 2012 के पशु गणना के अनुसार भेड़ वंश में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो कितनी प्रतिशत की कमी हुई 18.86% की कमी हुई। इसी तरह 2007 व 2012 की पशु गणना के अनुसार बकरियों में .76% की क्या हुई वृद्धि हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कमी किसमें हुई, भेड़ वंश में, और वृद्धि गाय भैंस और बकरियों में वृद्धि हुई। तो बकरियों में कितनी हुई 0.76% की वृद्धि हुई। और एक पॉइंट है आपका, यानी 2007 व 2012 पशु गणना में कुल पशु संख्या में, कुल पशु संख्या में 1.89% की क्या हुई वृद्धि हुई। कितनी हुई 1.89% की वृद्धि हुई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ पॉइंट और भी रह गए हैं, जो जैसे 2017 या 2019 के आंकड़े, यानी 20 पशु गणना के आंकड़े